तो नमस्कार, हमने इससे पहले देखा हमारे 4 सेट हो गए हैं पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसके हमारे 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा 5वां सेट है। ये जो पेपर है वो है, वो ड्रॉ करने के, हाँ ये जो है 27 दिसंबर 2017 की जो सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर है, ये जो है एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो हमारा ये 5वां सेट है, सेट नंबर 18 लिखा हुआ है, 2017 का पेपर है ये, प्रीवियस ईयर का। फॉर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही देख रहे हैं कि किस टॉपिक को हमको रिवीजन करना है। अगर हम ये देख लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो हम क्या करेंगे चीज को समझ पाएंगे कि हमको इस टाइम पर किस चीज का रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, और जो सिलेबस चेंज हुई है इससे ज्यादा घबराना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वही सब होगा जो पहले होता था। जो क्वेश्चन पहले आते थे लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है, मेरी जो कोशिश रहेगी कि मैं इसको आधे घंटे में खत्म कर दूँ एक पेपर को, पहले भी मैंने कोशिश किया और मैं उसमें सफलता मुझे मिली है, आधे घंटे मैंने इसको कंप्लीट किया। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत के प्रथम उपग्रह जो सैटेलाइट है उसकी बात हो रही है, उपग्रह का क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की संस्थापना की है, मतलब स्थापना की है कि हम तानसेन सम्मान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, हमारा जो राज्य मध्य प्रदेश, ने तानसेन सम्मान की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की खोज किसने की है। तो इसका जो राइट आंसर है V.S. रामचंद्रन, V.S. रामचंद्रन ने फैंटम लिम्ब सिंड्रोम की खोज की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों की फिल्म संस्था जो बच्चों के लिए फीचर फिल्मों और लघु फिल्मों का निर्माण करती है खालिस्तान में गठित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1955, बच्चों को देखने के लिए होती है। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन नवंबर 1919 में आयोजित हुआ है, यह कहाँ आयोजित हुआ है, है ना, कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यह दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को हम मनाते हैं सिविल सेवा दिवस। तो दिवस वाले जो क्वेश्चन है वो हर पेपर में पूछ रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखना, दिवस वाले को एक बार रिवाइज मार लेना, नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिविजन मारना। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हम सब कुछ सही चल रहा है, हमारा सब कुछ सही चल रहा है, सेशन है अब वो सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है, वेरी वेल, चलो हाँ इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस संशोधन द्वारा स्थानीय सरकारी निकायों के चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया, किस संशोधन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है 73वें, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अनिवार्य कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा शुरू की गई, किस गवर्नर जनरल के टाइम पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कार्नवालिस, वो क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री से। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब तो संविधान से। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, बात हो रही है पहला सेंट्रल बजट जो कि भारत का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर के शंखु सम्मुखम, आर के सम्मुखम चेट्टी ने ये इन्हें प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो वस्तु व सेवा कर जो कि भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब डायरेक्ट हम नहीं देते हैं,
इनकम टैक्स। लोक चित्रों की एक शैली मधुबनी भारत में निम्न में से किस एक राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका जो राइट आंसर है वह बिहार, बिहार राज्य में मधुबनी एक राजकीय लोकप्रिय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य तो आंसर है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला जो थे वो पहले न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 2014 में टूट गया है ना, उससे तेलंगाना अलग हो गया है, तो आंध्र प्रदेश अब अकेला बचा है, मतलब अकेला नहीं बचा है। तो भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20। विदिशा है भोपाल संभाग में, तो वहां पर 20 उदयगिरी की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिवनी जिले में टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है पेंच। पेंच टाइगर रिजर्व है वो सिवनी जिले में है, सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के बीच में ये पेंच टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और महाराष्ट्र में भी है, नागपुर में, ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय राघवगढ़ किला खालिस्तान में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटनी, जो जबलपुर क्षेत्र में कटनी जिला है वहां पर ये विजय राघवगढ़ किला स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो राइट आंसर है इसका दमोह, दमोह जिले में वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा राजा एडवर्ड संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध इमारत एक पुस्तकालय है जो खालिस्तान के रूप में माना जाता है। तो ये केंद्रीय सेंट्रल लाइब्रेरी केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में है, राजा एडवर्ड संग्रहालय का जो राइट आंसर है ये है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मालनपुर। मालनपुर में गोला बारूद कारखाना स्थित, अटेर लहर में नहीं है। 2016 में कबड्डी के विश्व कप में कितने देशों की टीमों ने प्रतिभाग क्या मतलब भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर है 12, 12 टीमों ने भाग लिया। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा एज इट इज, मगर 2022 का क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमारा जो चैप्टर आ जाता है वो आ जाता है मैथ्स का। तो हम इसमें इस सेशन में मैथ्स को कवर नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस सेशन में हम मैथ्स को कवर नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इसको आगे आगे बढ़ जाते हैं, मैथ्स वाले सेक्शन छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं कौन से सेक्शन में? सेक्शन कौन सा हमारा? हिंदी। तो हमारा चैप्टर चलेगा वो हिंदी, जनरल हिंदी चलेगा। उसके बाद में जनरल हिंदी का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाप्राण व्यंजन नहीं है, ये का है जो महाप्राण व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भाषा लिख कर प्रयोग की जाए उसे कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, और जो बोल कर प्रयोग की जाए वो मौखिक भाषा है, और जो हाथ हिला हिला कर या संकेत के रूप में इशारों के रूप में भाषा उपयोग किया जाए तो सांकेतिक भाषा कहते हैं, और राजभाषा जो है राजभाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते समय सुर का आरोह अवरोह कहलाता है, आरोह अवरोह ये कहलाता है अनुतान, अनुतान कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जो शब्द को छाटिए, वो शब्द को छाटिए, तो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास अधीन अधीन आधीन आधिन आधिन, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है अधीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन जो का है का फॉर कमल, तो का हमारा स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? हवा का पर्यायवाची तो जो राइट आंसर है वो है समीर। समीर जो है वो हवा का पर्यायवाची है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अचित, चित्तन, चिंत, अचिंत, अचिंत, जिसकी चिंता नहीं हो सकती। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए है ना, ये चिंता क्या, अचित अचिंता, अचित्तन, अचित्तन, अचिंत, अचिंत, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ हो रही है ना। तो सचित का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो सचित का संधि विच्छेद जो है वो सा सत प्लस चित है। ठीक
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नश्वर, नश्वर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो नश्वर का विलोम शब्द है अनश्वर, अनश्वर जो है वो नश्वर का विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो बन जाता है, अव उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? तो अव उपसर्ग से बना शब्द वो है अवगत, अवगत हमारा अव शब्द से बना उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग वाले क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है, गलती से भी इनको बिना रिवीजन करे नहीं जाना है, ठीक है। और दिवस वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अव्ययी, अव्ययी जो भाव समास है वो है भरपेट में। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, वो हो जाता है गांठ में बांधना, मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ, का जो राइट आंसर है वो है खूब याद रखना, बहुत ज्यादा याद रखना, कहते हैं गांठ में बांधना। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अवली का शुद्ध वर्जन क्या है? तो अवली का जो शुद्ध वर्जन है वो है ये अवली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है आलंबन कितने प्रकार के होते हैं? तो आलंबन दो प्रकार के होते हैं। अब आगे हमारे पास एक पंक्ति है, पंक्ति को मैं बोल के बताता हूँ। रिति रिति रहीसी रहीसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। मैं कौन सा अलंकार है ये बताओ? इसका जो राइट आंसर है वो है अनुप्रास अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है उपयुक्त तो विलोम शब्द चुनिए। सुधा का जो विलोम शब्द है वो है गरल, गरल जो है वो सुधा का विलोम शब्द है। निष्कलंक, निष्कलंक के सही संधि विक्षेप बताइए। तो निष्कलंक का जो है वो है निह धन कलंक, निह धन कलंक को हम निष्कलंक संधि विक्षेप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बन जाता है, इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आते हैं? तो इसमें रहन सहन हमारा जो है वो जातीय शब्द युग्म आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है निरस का संधि विक्षेप हमको करना है, तो संधि विक्षेप देख लेना एक बार, रिविजन कर लेना। नि धन रस, नि 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 निहा 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 धन रस, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अश यशोदा में प्रयुक्त संधि है, यशोदा में प्रयुक्त संधि है वो है विसर्ग, विसर्ग संधि इसमें प्रयोग प्रयोग की गई है। अगला क्वेश्चन है, टॉपिक बदल जाता है हमारा, अब आ जाता है हमारे पास रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। तो पंचायती राज और रूरल इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में 2017 के पेपर में, ठीक है, 27 वाला जो पेपर है 27 तारीख का, उसमें तो पहला क्वेश्चन हमारा जो होता है विशेष समूह रंग राजन पैनल के अनुसार 2011-12 में गरीबी रेखा के नीचे अनुमानित जनसंख्या पूरे भारतीय में खालिस्तान थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 363 मिलियन, 363 मिलियन लोग जो थे वो अनुमानित थे पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गरीबी रेखा से नीचे। तो अगला क्वेश्चन बन जाता है भारतीय किसानों द्वारा नीम लेपित या के उपयोग को बढ़ावा देने का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है हमारा? फसलों में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाना, उर्वरक जारी करने के लिए करने की गति को धीमा करना, उसको के सही उपयोग सलाह देना, यूरिया उत्पादन कंपनियों को बढ़ावा देना, ये राइट आंसर नहीं है, ठीक है, सामने से दिख रहा है नहीं होगा। प्रमोटिंग यूरिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये राइट आंसर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बन जाता है, वो बन जाता है जिला स्तर पर राजीव गांधी वाटर शेड मैनेजमेंट मिशन के क्रियान्वयन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो जो राइट आंसर है वो है जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये जिम्मेदार होता है। बात हो रही है वाटर शेड मैनेजमेंट की, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं क्या होता है हमारा, वो होता है निम्नलिखित में से कौन किसी भी पंचायत सदस्य, पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता, निम्न में से कौन नहीं बन सकता? तो संसद सदस्य बन सकता है, विधानसभा का सदस्य बन सकता है, पंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि ये भी बन सकता है, मगर जो विधानसभा परिषद का जो सदस्य है वो नहीं बन सकता है, तब पंचायत का। अगला जो क्वेश्चन बन जाता है हमारा वो बनता है, 20 मार्च 2015 तक मध्य प्रदेश में
बचत लिंक्ड स्वयं सहायता जो समूह है वो, अनुमानित कुल संख्या क्या है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख जो थे सेल्फ हेल्प ग्रुप की संख्या है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है वो निकल कर आता है, भारत में प्रमाणित जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल में के लिए मध्य प्रदेश का हिस्सा 2010 में लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 40%, 40% हम जैविक खेती करते हैं। ये इसमें कहना है जैविक खेती के क्षेत्रफल में के लिए 40% मध्य प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन बनता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना राजस्थान अवधारणा पर कार्य करती है। तो इसका जो राइट आंसर वो है समूह ऋण ग्रुप लेंडिंग के रूप में ये काम करती है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 2017 तक मनरेगा के अंतर्गत देश के कितने जिले कवर किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो 685। तो इसमें हमको तो याद नहीं करना है, रटना नहीं है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो बन जाता है वो बनता है 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई दीनदयाल अंत्योदय योजना निम्न में से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर वो है इन्हेंसमेंट ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करवाना, जो कौशल विकास है। अगला जो क्वेश्चन बन जाता है हमारा वो बन जाता है 1957 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित ग्रामीण स्थानीय स्व शासन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो राइट आंसर है वो है काशी प्रसाद पांडे। काशी प्रसाद पांडे जो थे वो इस गठित समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था? तो जो सिंचाई अधिनियम है उसको कब अधिनियमित किया गया था? तो ये आज़ादी से पहले अधिनियमित किया गया था, 1931 में, 1931 को ये अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है वो बनता है विश्व बैंक के अनुसार भारत में कृषि भूमि का लगभग खालिस्तान 2010 में विश्वसनीय ढंग से सिंचित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 35% ही सिर्फ सिंचित हुआ था, ये विश्व बैंक का कहना है। तो इसके अनुसार 2010 में उसका जो राइट आंसर वो 35। तो ऐसे क्वेश्चन को याद नहीं करना है, नया डेटा याद करना है, पुराना डेटा भूल जाना है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार पंचायती समिति के अध्यक्ष चुनाव कैसे होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली होगा कि पंचायती उसका अध्यक्ष को चुनाव डायरेक्टली होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा बन जाता है वो बन जाता है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन सा गैर कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, मतलब गैर कृषि ऋण प्रदान करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शैक्षणिक जो शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन है उस वो लोन भी ये प्रोवाइड करते हैं, कौन? राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी खेत में एक साथ दो या अधिक फसल करने के लिए खेती करने की प्रक्रिया को निम्न निम्न कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल को कहा जाता है, एक साथ दो या उससे अधिक फसलों को लगाने के लिए लगाते हैं तो हम मिश्रित खेती कहते हैं, एक से अधिक फसल। निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंगो, मैंगो की जो खेती है भारत में सबसे ज्यादा की जाती है, ये कहना है क्वेश्चन का आंसर का। और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का मासिक जनरल है? तो इसका जो राइट आंसर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा राज्य में है, भारत के हरियाणा राज्य में, लेकिन ये जो क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, ये एक मासिक जनरल की बात हो रही है, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय का मासिक जनरल है वो है कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 9 सेपरेट फंड, अलग से धनराशि का प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। किसके लिए? सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रावधान है? तो कोई धनराशि का प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 2016-17 में जैविक खेती के लिए लक्षित क्षेत्रफल क्या है? तो ये क्वेश्चन नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, कहने का मतलब ये 5 लाख एकड़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि पूर्णा योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री पूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चावल किस दर पर दिया जाएगा? तो आंसर है 1 रुपये पर केजी। अब उसको भी बंद कर दिया है, उसका जो अमाउंट है उसको भी बंद कर दिया इस साल, तो 0 आएगा इस साल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे अभी हम कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कंप्यूटर हमारा, वह कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर से रिसोर्स या डेटा, जो डाटा के लिए अनुरोध करता है वह कहलाता है। तो जो हम कहते हैं क्लाइंट, क्लाइंट हम क्लाइंट नहीं, इसको हम क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसको बैकअप करने के लिए हम रिस्टोर, बैकअप से फाइलों को रिकवर करने के लिए हम इसको रिस्टोर कहते हैं। चलो रिस्टोर कहते हैं, इतना तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा रिस्टोर का मतलब। फायरवॉल खालिस्तान का एक प्रकार है, इसको हम सिक्योरिटी सिस्टम कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हर इसमें आया है, जो अनादर एक्सेस है, अनाधिकृत एक्सेस है, उसको लेकर तो बहुत सारे मतलब सारे इसमें पेपर में आया था, बट इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। फायरवॉल जो है वो एक तरीके का क्या है? सिक्योरिटी सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज द सीपीयू। सीपीयू है कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क, इसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि को दर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से शॉर्टकट का करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो रोल प्लस 2 बिंदु। क्या बोलूं मैं इसको, कुछ वर्ड होता तो ठीक है, 2 बिंदु। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या एमएस एक्सेल का एक वैध फंक्शन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो टोटल, टोटल का एक वैध फंक्शन नहीं है। तो कुछ नाम होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है? अगर आपको पता है उसका नाम, 2 बिंदु है, तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ जल्दी से। अब क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन www.google.com, ये है एक सर्च इंजन। जीमेल का यूज हम करते हैं संदेश प्राप्त करने और संदेश भेजने में, क्या। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संक्षेपण, संक्षेपण HTML निम्न के लिए प्रयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, 8 बिट्स के एक समूह को क्या कहा जाता है? इसको हम बाइट कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, 2 बार पूछ लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को बस आंख बंद करके और बस टिक कर देना है। मतलब आंख बंद करके मत करना, मतलब आंख बंद करोगे तो फिर टिक कैसे करोगे, गलत टिक कर दोगे, तो एकदम फटाफट से करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है, एमएस एक्सेल 2007 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बात हो रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यू कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक ऑन देम। तो भाई इस साल के जो क्वेश्चन पेपर आए थे ना, उसमें इनको बोल्ड को और इटैलिक को बार बार यूज किया गया, ठीक है। बार बार ये क्वेश्चन बने बोल्ड और इटैलिक के। अगले क्वेश्चन की ओर जैसे हम बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, एमएस वर्ड 2007 में मौजूद डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट को इस्तेमाल किया जाता है? किस शॉर्टकट की को इस्तेमाल किया जाता है ओपन करने के लिए? कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम उसके लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं, और कंट्रोल प्लस एन का हम यूज करते हैं न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस ए एस को हम यूज करते हैं सेव करने के लिए, और कंट्रोल प्लस सी को करते हैं कॉपी करने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो बेसिक क्वेश्चन था। इंटरनेट पर कंप्यूटर को इसके द्वारा पहचाना जाता है, आईपी एड्रेस के द्वारा हम कंप्यूटर को पहचानते हैं इंटरनेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, वैसे कंप्यूटर का भी आईपी एड्रेस होता है, वो आधार कार्ड के रूप में काम करता
सिंपल एक लॉजिक, एमएस वर्ड में अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है वाई। अंतिम कार्य को पुनः करने के लिए हम जैसे कोई काम किया उसके बाद हमको पुनः करना है, हमको फिर से काम करना है तो फिर से लाने के लिए हम कंट्रोल वाई का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, क्या कहता है कि फाइल या फोल्डर को रिनेम करने के लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं, फाइल का या फोल्डर का रिनेम करने के लिए? तो हम फंक्शन टू बटन का हम उपयोग करते हैं किसी भी फाइल को रिनेम करने के, उसका नाम बदलने के लिए हम इसको करते हैं। एक डंब टर्मिनल निम्न में से होता है, निम्न में से कौन सा है ये बोल रहे हो? तो डंब टर्मिनल जो है वो कीबोर्ड एंड स्क्रीन होता है, कीबोर्ड और स्क्रीन डंब टर्मिनल। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाता है, वहाँ से उठा, हाँ, एमएस एक्सेल 2007 में उन अनेक सेल्स या रेंजेस को सिलेक्ट करने के लिए जो कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, आप क्या करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हम क्या करेंगे, कंट्रोल कुंजी को दबाएंगे, होल्ड द कंट्रोल की। जैसे अलग अलग जगह पर है, एक चीज यहाँ पर है और एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर, ऐसे डिवाइडेड है, बट हम मुझे सेलेक्ट करना है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा चेंज कर, सेलेक्ट करना है इसको, मुझे सेलेक्ट करना है इसको और मुझे सेलेक्ट करना है इसको, और मुझे इसमें, अब मुझे इन तीनों को छोड़ना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल दबा के रखूँगा और इनको ऐसे टिक करूँगा, वो सेलेक्ट हो जाएगी। क्या अब हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन साझा करना चाहते हैं तो आपको एक नेटवर्क पर खालिस्तान इंस्टॉल करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राउटर। राउटर के माध्यम से हम इंटरनेट को साझा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो आपके यहाँ एक इंटरनेट कनेक्शन है और आपको क्या करना है, आपके इंटरनेट की रेंज बढ़ाना है। मान लो आप रहते हो थर्ड फ्लोर में, आपको ग्राउंड फ्लोर में इंटरनेट की आवश्यकता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसी कनेक्शन में एक राउटर और जोड़ दोगे, वो नीचे लगा दो कहाँ, ग्राउंड फ्लोर में, तो वो कनेक्शन हम उसका उपयोग करते हैं राउटर का। राउटर से हम यहाँ से यहाँ एक राउटर यहाँ लगा, इसको यहाँ केबल से जोड़ दो, यहाँ के कनेक्शन, तो ये इतना एरिया ये कवर कर लेगा, इतना एरिया ये कवर कर लेगा, ये पूरे घर में कनेक्शन ही कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंटरनेट ही इंटरनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? इंकजेट प्रिंटर के लिए एक कार्ट्रिज की आवश्यकता होगी हमको एक इंकजेट प्रिंटर के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल 2007 में डाटा टैब में उपलब्ध होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सॉर्ट और फिल्टर, ये डाटा टैब में उपलब्ध होता है। अब इस पूरे सेशन का अंतिम क्वेश्चन हमारा जो होता है वो हम देखते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है? सबसे शानदार क्वेश्चन आया है, इतना आसान क्वेश्चन शायद मुश्किल मिले, पर देखना आ जाए पेपर में, अगर आ गया तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत आंसर बहुत आसान है। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक है। इसी के साथ में इस सेशन का हमारा एंड होता है, हमने ये पांचवा सेशन बंद कर लिया है। अब इसके बाद मैं अगला सेशन और लेकर आऊँगा, कब लेकर आऊँगा ये मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं ये कल 2-3 दिन में अभी सब खत्म करूँगा, सारे जितने भी आपके सामने लेकर आऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 दिन में हम पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी मेरे पास अच्छी है, मैं ये सब कुछ खत्म कर लूँगा, ठीक है। ये हमारा पांचवा हो गया, 1 दिन में हमने पांच जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर लिए, पांच क्वेश्चन पेपर, ठीक है, लगातार। तो चलो इसके बाद में इसको करते हैं, हम विराम देते हैं इस सेशन को, और आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कमेंट में बताइएगा क्या चीज़ें और ऐड करना चाहिए। रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और आगे बढ़ते हुए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन में इसका निकाल लूंगा, और मान लो 10-12 और हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकल जाएगा कि आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी।
यहाँ से करते हैं सेशन को एंड, बाय बाय, सी यू।